आपको सीधे लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां अमित शाह पहुंचे वह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। और भाइयों बहनों, एक दृष्टि से देखे तो हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि इसके नीचे इतना खनिज कोयला पड़ा है कि पूरे देश को ऊर्जा देने का काम हमारा झारखंड कर रहा है। मगर दुर्भाग्य देखे, झारखंड तो समृद्ध है मगर झारखंडी गरीब है, क्योंकि ये हेमंत सोरेन की जेएम की जो सरकार है ना, उसने मोदी जी का भेजा हुआ सारा योजना भ्रष्टाचारों से लिप्त किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर वादा कर जाता हूं, आप 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दो, निर्भय जी को जिता दो, हम झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, ऐसे कल कारखाने झारखंड में लगाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है, एल्यूमिनियम की खदाने हैं, आयरन ओर की खदाने हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं है। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। मुझे बताओ गिरिडीह वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठ ये झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा घुसपैठ नहीं। और जो घुसपैठ ये हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी, कान खोल कर सुन लो, हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को, एक एक को चुन चुन कर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। और मेरे पे भरोसा करना भाइयों बहनों, अगर सरलता से नहीं करते हैं तो इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? भाइयों बहनों,
एक कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा की पार्टी धारा 370 को वापिस लाना चाहती। मैं बता देता हूं राहुल बाबा, गिरडी की भूमि पर बैठकर बता देता हूं, आप तो क्या, आपकी चार पीढ़ी आएगी धारा 370 वापिस दी। एक कश्मीर जो है वो भारत का है, कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, 10 साल तक इन्होंने राज किया, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ करते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उरी और पुलवामा में फिर से इन्होंने हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। झारखंड प्रदेश ने सालों तक नक्सलवाद को झेला है। मार्च 2026 के पहले इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, अभी पहले चरण का चुनाव हो चुका है। झारखंड वालों, गिरडी वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं पेपर लीक कर देता हूं। पहले चरण में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, एक घुसपैठियों के लिए, ये हेमंत सोरेन हमारे आदिवासियों का अपमान करते हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग का अपमान करते हैं, और उन्होंने तय किया है, उनकी सरकार आई, कांग्रेस ने तय किया है इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे आरक्षण। भाइयों बहनों, बेटा बैठ जाओ, मैं ले लेता हूं आकर, बाद में ले लेता हूं, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का? मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। भाइयों बहनों, एक पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है। अब एक कांग्रेस के नेता के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, और आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। मुझे बताओ ये रुपया किसका है भाई, किसका है? अरे झारखंड वालों, गिरडी वालों, ये रुपया हेमंत सोरेन की सरकार लूट गई। जी जलता है ना, चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो, ये भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई वापस झारखंड के खजाने में हम डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं,
इस सोनिया जी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया मगर लैंड ही नहीं होता है, 20 बार क्रैश कर गया। और झारखंड वालों, मुझे मालूम है 21वीं बार में भी बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश का लोग जी जलता है ना। चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार ला दो, ये भ्रष्टाचारियों से एक एक पाई वापस झारखंड के खजाने में हम डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं। ये सोनिया जी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया मगर लैंड ही नहीं होता है, 20 बार क्रैश कर गया। और झारखंड वालों, मुझे मालूम है 21वीं बार में भी बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला। हरियाणा में भी सुपड़ा साहब, कश्मीर में भी 38 में से सिर्फ 6 सीटें। और राहुल बाबा, आपका झारखंड में 5 का आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है। भाइयों बहनों, अभी अभी बैठ जाओ भैया। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस में कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने सारे के सारे गांव वक्फ की संपत्ति घोषित किया। 500 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, किसानों के घर वक्फ की संपत्ति हो गए। ये वक्फ का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और हेमंत सोरेन विरोध कर रहे हैं, मैं बताकर जाता हूं, इनको विरोध करने दो, संसद में वक्फ का कानून बदलने का हम जरूर काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस के लोगों को सलाह दी कि वादे ऐसे करो कि जो पूरे हो। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और तेलंगाना में भी वादा पूरा नहीं हुआ। मगर नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं वो करते हैं। आज मैं बताता हूं गिडी वाले, मोदी की गारंटी पत्थर पर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर होती। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है कि हर दीदी को 2100 रुपया हर महीने उनके अकाउंट में चेक मिल जाएगा। हर महिला को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और रक्षाबंधन दीपावली में 2 गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी। युवाओं, जो संपत्ति खरीदेगी उसमें सिर्फ 1 रुपया स्टैंप ड्यूटी लगेगी, सिर्फ 1 रुपया। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर SIT बनाकर इस सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को
जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हम घुसपैठ खत्म कर देंगे, नक्सलवाद खत्म कर देंगे और 25,000 किलोमीटर गांव टोले बस्तियों को जोड़ने के लिए नए रास्ते बनाएंगे। वृद्ध विधवा और दिव्यांगों को 2500 रुपया हर महीना भेजा जाएगा और 5,00,000 युवाओं की ट्रेनिंग के लिए 1,00,000 रुपया 5,00,000 युवाओं को देकर ट्रेन कराकर उनको नौकरी पर भेजेंगे। भाइयों बहनों, एक आपने HT लाइन देखा है, हाई टेंशन लाइन होता है ना, HT लाइन जिसमें से बिजली आती है, ऊपर होते हैं बॉप ऊपर दिखा है ना, इसमें से सीधा आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? आती है क्या? घर जल जाएगा ना, तो एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए। ट्रांसफॉर्मर मोदी जी विकास की योजनाएं भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी की सरकार HT लाइन है, मगर झारखंड का ट्रांसफॉर्मर ये हेमंत सरकार। अब क्या हुआ है, ये झारखंड का ट्रांसफॉर्मर जल गया है, तो अब जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? बदलना नहीं है माताओं बहनों युवाओं, बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। अगले 5 साल घुसपैठ, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त करकर सुरक्षित और समृद्ध झारखंड बनाएंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे क्या बोलते हो यार, हेमंत सोरेन इर्द गिर्द घूम रहे, उन तक आवाज जानी चाहिए। गिरडी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए, मुझे बताओ कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? हमारे भाई निर्भय आ गया हो, निर्भय साहब आदि को जिताइएगा। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, घुसपैठ रोकेंगे, नक्सलवाद समाप्त करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग ये दोनों साइड में खड़े हैं वो भी उठाए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम। झारखंड वालों, गिरडी वालों, आपका धन्यवाद, जोहार, प्रणाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।